भाई देखो, भगवान का नाम है तो गोपाल, जो गायों का पालन करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस भारत का, इस भारत भूमि पर गौओं की क्या दुर्गति है। जिस सनातन धर्म विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार श्री राम भी प्रकट हुए तो गौओं के लिए, और श्री कृष्ण का नाम तो गोपाल है। जिन जिन गौओं पर हमारा सनातन धर्म खड़ा है, उन गौओं की आज ये दुर्गति है। और जब तक गायों की दुर्गति का नाश नहीं होगा, गायों की स्थिति नहीं सुधरेगी, तब तक हिंदुओं की स्थिति नहीं सुधरेगी। हाँ, तब तक हिंदू नहीं सुधरेंगे, हिंदुओं की स्थिति नहीं सुधरने वाली। देखो भाई, मुगल काल में ठीक है, मुगल काल में विधर्मियों द्वारा गौओं की हत्या की जाती थी, हमारे राजाओं ने प्रतिकार किया उनका। अंग्रेजों के शासन के दौरान भी वो लोग तो गौ मांस भक्षी हैं, वो लोग गौ मांस भक्षी थे, लेकिन उस समय भी लोगों ने प्रयास करके प्रतिकार किया। लेकिन आज तो कहने को हम स्वतंत्र हो गए हैं। और हम कैसे स्वतंत्र हैं कि इस देश में गौ हत्या को बंद नहीं करा पा रहे हैं? ये कैसी स्वतंत्रता है हमारी? जिस भूमि पर श्री राम नंगे चरण चले, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण लोटे, जहां की धूल में भगवान श्री कृष्ण लोटपोट हुए, उस भारत भूमि पर यदि गौओं का रक्त गिरता है, गौओं की हत्या होती है, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाँ, और इसमें हम केवल दूसरों की बात नहीं करते, हिंदू भी जिम्मेदार हैं, हिंदू भी इसमें जिम्मेदार हैं। जब तक गाय दूध देगी, तब तक तो गाय को खिलाएंगे पिलाएंगे। गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो क्या कहें, उसे तो गौशाला में घुसने भी नहीं देंगे, घर में घुसने भी नहीं देंगे। ऐसे भी लोग हमने देखे। समझ में नहीं आता कितने पैसे की भूख है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, व्यापारी होना अलग विषय है, लेकिन भैया इतनी मानवता से, मानवता से हीन होना, कोई हृदय ही नहीं। बछड़ा को उतना ही दूध पीने देते हैं जिसमें उसके केवल प्राण बचे रह जाएं किसी प्रकार, बेचारा वो भी मर जाता है। और बछिया हो तो बढ़िया से उसका पालन पोषण करें, क्यों? बछिया तो फिर से दूध देगी बड़ी, बछड़ा क्या करेगा? ट्रैक्टर तो चल ही रहे हर खेतों में, और बैलगाड़ी पर चढ़ेगा कौन? और जब बेचना हो गाय को, तो ये विचार नहीं करते कि हम हिंदू को दे रहे हैं या मुसलमान को दे रहे हैं या किस धर्म वाले को दे रहे हैं, इतना भी विचार करना उचित नहीं समझते। क्या दुर्गति, बड़ी स्थिति खराब हो गई इस देश में गायों की। गाय दुखी रहती है तो हिंदू सुखी कहां से रहेगा महाराज? गौ माता जब तक दुखी रहेगी, तब तक हिंदू सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए, चाहे हमारा प्रयास आज सफल हो अथवा 100 वर्ष के बाद सफल हो, लेकिन प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारा प्रत्येक दिन गौ हत्या के विरोध में आवाज हमें प्रत्येक दिन उठाना चाहिए। सब कोई सोशल मीडिया आज यूज करते, सोशल मीडिया हर एक व्यक्ति यूज कर रहा है। अरे अपनी फोटो बहुत डाल ली, बहुत कुछ दिखा लिया, कभी गौओं के लिए भी लिख दिया, कभी उनके लिए भी डालो कुछ, बहुत खर्च कर लिया पार्टियों में, बहुत खर्च कर लिया इधर उधर, बहुत बर्थडे मना लिया बच्चों का। यदि हम किसी गाय को, गाय किसी गौशाला में जाकर गाय के पालन, एक गाय
के पालन का जिम्मा ले ले कि भाई जो राशि लगती है हम देने को तैयार हैं। तो केक काटकर मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने से लाख गुना बढ़िया, उससे बच्चे की आयु बढ़ जाएगी। उससे बच्चे की आयु बढ़ जाएगी गौ माता के आशीर्वाद से। और जन्मदिन मनाने की परंपरा को भी अब बदलिए। यह परंपरा थी हमारी जो वैदिक संस्कृति, उसके अनुसार मनाइए। कुछ ना हो तो गौशाला में मनाइए, गौओं की पूजा करके मनाइए। गौ माता कोई साधारण नहीं है। और मैं विदेशी जर्सी गाय की बात नहीं करता, देसी गाय, भारतीय गाय। इतना सामर्थ्य है क्या कहे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ माता की सेवा करने मात्र से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति गौ माता को चराने से, गौ माता की सेवा करने से प्राप्त। रघुवंश का वर्णन है, पढ़िए रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश में वंश परंपरा भी चल सकती है गौ माता के आशीर्वाद से। तो ये गौ जो है वो क्या है, सनातन धर्म के प्राण है। हमारे यहाँ गौ गंगा, गीता, गायत्री और गौरी, इनकी इनका महत्व है और इनका रक्षण होना ही चाहिए। गंगा, गंगा की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, गीता की रक्षा करो, गायत्री की रक्षा करो और गौरी अर्थात कन्याओं की रक्षा करो। यही सनातन धर्म।